बेकदरांदी उल्फत मंदी नीचांदी अशनाई। अल्लाह ने ऐसे बनाया लोगों को, लेकिन जिसको नवाज दे वो फिर नीच नहीं रहता, लेकिन है ऐसा दुनिया। तो हमारी वालदा शेर पढ़ती होती थी, बेकदरांदी उल्फत मंदी नीचांदी अशनाई, बेकदरांदी यारी विचों फैज किसी ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। जो पंजाबी टाइप के हैं इनकी ज़बान में कुछ समझते होंगे। कल मैं ही पढ़ रहा था, वालदा को सोच रहा था, आका जिनका माँ बाप यहूदी बनाए, मजूसी बनाए, नसरानी बना, अब बबा हो यू हो वेजा नहीं यू मजसा नहीं यू नसरानी, वो जो बना दें। हमारी वालदा की दुआएं थी, नबी से बहुत मोहब्बत करती थी, रोती रहती थी कि मेरी सारी औलाद अच्छी हो जाए। वालदा रो रो के उसका रोना कबूल हो गया, क्योंकि नबी से बहुत मोहब्बत करती थी। तो आज ये सुरखरू हैं, उसकी वजह से मैं सबब बना हूँ, तो इनको मेरा बहुत ख्याल करना चाहिए। अब भी इनका ख्याल करता हूँ, इनकी औलादों का, दर औलादों का, ऐसे जो मेरे पर मेरे नस्बत में हैं उनकी भी बड़ी करता हूँ। आका जी हयातुल नबी हैं, मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन कर्म का तकाजा है, जो कहता हूँ सुन लेते हैं। तो इसलिए मैंने इनके लिए बड़ी जारी की, भाइयों के लिए, और तुम्हारे भी काम आता हूँ, तुम्हारे लिए भी ऐसी दुआएं करता हूँ। और जो दे अच्छे हो जाते हैं, कुछ होते हैं, तो तकाजा करम आता है, उनकी सिफारिश कर देता हूँ। दो तीन और हैं, उन्होंने बड़े जुल्म किए, अभी तक अजाबों में हैं। मैंने कहा आका जी आपने कहा कबीरा गुनाहों की सिफारिश करूँगा, मैं कुछ सिफारिश करता हूँ इनका, कुछ बचा दें इसको। मान गया, कहते बचा देंगे। ऐसे जिनको मजबूत देखता हूँ तो ये उनकी तरफ से कर्म के तकाजे से है, मैं कोई इतना वो नहीं हूँ। तो और बहुत सी बातें हैं कि तुमको मेरी निस्बत इतना फ़ायदा देगी जो सदियों में किसी ने नहीं उठाया होगा। क्यों इतना फ़ायदा देगी? इस वजह से सरकार की निस्बत में सरकार ने मुझे कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि करोड़ों हज़ारों वली आए जो उन्होंने ऐसे कहा, सब ने मोहब्बत की। आका जी ने कहा कि जैसी मोहब्बत तुमने की ऐसे किसी ने नहीं की। उनके लिए भी दुआएं सरकार करते हैं, माँ कहते हैं वो भी खैर। लेकिन आगे एक जगह कहा, मेरे दिल में जैसे उस चीज़ ने खराश और ज़ख्म दी, जो निगाह मेरी तुम्हारे लिए उठी है किसी के लिए नहीं उठी। अल्लाह कि तुम मोहब्बत में से बेइंतहा करते हो और हर चीज़ में मुझको आगे रखते हो, हर चीज़ में मुझको आगे रखते हो। तो मैं ही चाहता हूँ आपसे बातें सुना के असद हर चीज़ में उनको आगे रखे जैसे मैं रखता हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया वो तुम्हारी सरपरस्ती कर लें, उनकी सरपरस्ती थोड़ी चीज़ है। दुनिया आखरत की मुसीबतें तुम्हारी ख़त्म, उनकी सरपरस्ती है बहुत बढ़िया। तो खुदा आपके नसीब करे। मैं थोड़ी चाय पीऊँ और फिर थोड़ा देखता हूँ तबीयत मूड ठीक है तो कुछ सुनने को दिल करता है, और देखा कमज़ोरी आ रही है कुछ ऐसे, तो फिर तुमको पता है बीमार आदमी पाबंदी में ज़्यादा नहीं रह सकता। और अरब में मिसाल है, रहमल्लाहु मन ज़ार खफ़फ़, खुदा उस पर रहम करे जो ज़ियारत करे मरीज़ की, तो हल्का हल्का रह करे कि जल्दी यानी फुट्टा खाए चल पड़े।
तो मेरा ये हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ बुढ़ापे की वजह से। कुछ बुढ़ापे में गुस्सा भी आ जाता है इंसान को, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। अगर चिड़चिड़ापन भी आ गया, मैं तुम में से किसी लड़ पड़ा तो फिर क्या करोगे? फिर लोग तो मुझे नहीं कहेंगे क्या मैं गलती हूँ, कहेंगे भाई बाबा जी ये फ्योदी जगह, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। तो चिड़चिड़ापन ना ही आए, मैं थोड़ी चाय पी लूँ, जितनी तबीयत है मैं ऊपर बैठता हूँ, अपनी तस्वीर पढ़ूँगा या कुछ सोचूँगा, तो वो वक्त मैं आपको देता हूँ, इसलिए बैठा हूँ। क्योंकि बाज़े दूर से आते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, कभी मिलता है, वो चाहते हैं कि कुछ बैठें। इसमें सही पीरी होती है ना, उससे जुड़ो दिल से, तुम्हारे अनहोने काम होंगे जुड़ने से। नबी करीम की ज़ियारतें शुरू हो जाएंगी, अल्लाह, तो तुम्हारा यकीन खुद ही बन जाएगा ना, यार जब से इसके पास गए हैं मेरा ये भी हो गया, बेटियों के निकाह हो गए, फलाने काम हो गए, मैं घर में पैसा नहीं था, खूब पैसा आता है यार, ऐसे फरमाया भी है करम के तकाज़े में, कहा जो तुमसे जुड़ेगा हम उसको भी करोड़पति करेंगे। आका जी ने कहा अल्लाह की कसम, तो जुड़ो देखो करोड़पति बनते नहीं बनते। झूठ नहीं बोलना तो जुड़ा करोड़पति बना नहीं बना, उनसे मुंह कर और बोल उनको मर जा। ड्राइवर था, धक्के खाता फिरता था अमेरिका में, उधर ये सियालकोट का माँ, पता नहीं क्या बोलूँ उसको, करोड़पति हो गया जी। बुरा ना मना, ऐसे ही था, तो खुद ही बोलता है कसम भी खाई इसने, पता नहीं बोलते पेट भर के रोटी नहीं मिलती थी, इतना खाता हूँ इतना खाता हूँ, और जितने मेरे पास हैं ये इतना खाते हैं, इन सब के डैम बन गए। डैम डैम जानते हो, डैम डैम बन गए। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, आ तुझे मैं इश्क का आजार दूँ, आ तुझे मैं सल्ले अला का हार दूँ, इश्क तेरे सदके क्या बात बनाई है, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, कहीं कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी इनके दर, आका जी के दर उधर भी होते थे, कभी उनके दर मक्के में थे, कभी दर बदर, फिर मैं बाहिस वाले सीएडी वाले पकड़ के लगे, दर बतू क्या है, तू क्यों करता है, ये क्यों तस्वीरें पढ़ाता है, इसमें क्या है बता, मैं इनको क्या बताऊँ मैं इसमें क्या है, वो पकड़ के ले गए कभी दर बदर। फिर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, डर गए, मैंने ऐसे इत्तेफाक से कहा, मैं कहता हूँ आज तू बैठा हुआ है, कल तो ऐसा बैठा होगा तुझे पता है। वो डर गए, उनके ये कुछ करेगा डर गए, सच्चे का डर गए। सितारे चंतारे जर्नल से एक तो भाग गया, दूसरा कल आया गावा पिलाए चाय पिलाए, फिर तुमने इसको कहा था जेश बुलतल्लो की तरह, बस फिर मुझे जब बुलाते थे बड़ा अदब से बुलाते थे, और मेरे पीछे आदमी भेजते थे कि चोरी देखो करके आया,
वो कहते हैं जब जाते हैं तस्बीह पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, तस्बीह तस्बीह बड़ी पढ़ता है, सोता नहीं। उधर ही बड़े कर्म देखे मैंने, बहुत बहुत कर्म देखे। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर कभी दर बदर, कभी इनके दर कभी उनके दर। कबल आदम आया मोहम्मद, आका जी ने कहा कुन तो नबीन व आदम बैन अल-माई वस्सीन। फरमाया मैं नबूवत का ताज पहना हुआ था, मैं नबी था, आदम बैन अल-माई वस्सीन, आदम का गारा और मिट्टी पड़ा था, अभी जान नहीं डाली थी, मैं उससे पहले मौजूद था, लेकिन बशर की सूरत में आए तुमको सिखाने के लिए, बशर की सूरत में आए तुमको सिखाने के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि तुमने सोना कैसे है, सोने के बाद वजू टूटता है, फिर वजू करना है तुमने, इसलिए साहबा सोते थे आप भी सो जाते थे, जब उठते थे तुमको वजू कराते थे और ख़ुद वजू नहीं करते थे, ख़ुद वजू नहीं करते थे। अल्लाह सोता है तो अल्लाह के नूर से बने थे, वो भी नहीं सोते थे, लेकिन सोते ज़ाहरी थे, तुमको सिखाने के मैं भी सो रहा हूँ। जब उठते थे वजू नहीं करते, सोते नहीं थे। अल्लाह खाता पीता है, अल्लाह के नूर से बने थे, वो खाता पीते इसलिए थे तुमको सिखाना है कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे तरीका, वरना उनको खाने पीने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अल्लाह के नूर से बने थे। तो मक्के में 41 दिन ना खाया ना पिया, साहबा ने देखा जैसे आका करें ऐसे हम भी करेंगे, तो भी 41 दिन जब पूरे होते दूसरे दिन ही साहबा ने खाना छोड़ा था, बेहोश होकर गिरने लगे। आपने कहा तुम खाओ पियो, मुझे अल्लाह खिलाता पिलाता है, अय्युकुम मिस्ली, मेरी तरह कौन कर सकता है, तो मेरी तरह नहीं कर सकते, तो खाना पीना छोड़ दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था, और कहा अय्युकुम मिस्ली। तो नबी करीम का हर मामला दूसरे से अलग है, चलते थे बैठते थे तो मियाना करता, ना लंबे थे ना ऐसे बराबर, लेकिन उनकी हर चीज़ अजमत को खुदा ने ऊँचा रखा, जब बैठते थे तो बीच में सबसे ऊँचे नज़र आते थे, चलते थे जैसे आराम से चलते थे, लेकिन सहाबा कहते हैं ऐसे ज़मीन लिपटती थी, हम भाग भाग के पीछे जाते थे, पहुंच नहीं सकते थे, आग जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। तो बहुत सी बातें याद आती हैं, अब मैं इस वक्त जैसे हुआ हुआ हूँ जो हुआ हुआ हूँ, अब क्या बताऊँ मैं क्या हुआ हुआ हूँ, हुआ हो ना ओ ना होशो अकल है ना दीवानापन है, अब बता तुम क्या समझोगे, ना होशो अकल है ना दीवानापन है, ऐसे इस बात को रहने दे, ना होशो अकल है ना दीवानापन है। तो जिनके तवाज़ुन ठीक नहीं मैं उनके तवाज़ुन ठीक कर देता हूँ, और कभी कहते हैं शायद इसको ऐसे हो गया, मैं क्या मुझे नहीं तुमको ऐसे हो गया, मैं क्या मुझे ऐसे हो जाता है सारा निज़ाम चलता, गुलामों की तरह बैठ जाते हैं, इनकी जरूरत नहीं ये बात करें, बात करके देखें मैं जवाब दूंगा। इस पर मैं ख़त्म करता हूँ और आपको आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अरे इसे ही कर देने ना, इसे हम डाल देते हैं भाई, गल करो ना, बुढ़े हो गए बुजुर्ग बन रहे हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं बनना है, बुजुर्ग बस अल्लाह है, अल्लाह के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और हम तुम बुजुर्ग हैं उनके तुफैल, हकीकत में हम लोग की अपनी बुजुर्गी जाती नहीं है, तो उधर से मिली हुई बुजुर्गी है, जो मिली हुई है खुदा करे ना जाए और मिल जाए और तुमको भी मिल जाए भाई।
अब आपको आई लव यू के साथ कहता हूँ और आई लव यू के साथ जाता हूँ और आई लव यू आप में तुम्हारे दरमियान रहेगी, वहाँ काजी से भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।